प्रिय छात्रों, आज हम पृथ्वी का ऊष्म बजट हीट बजट ऑफ द अर्थ के बारे में चर्चा करेंगे। इसमें सर्वप्रथम हम ये मान के चलते हैं कि जो सूर्य से हमें जो सोलर वेव्स प्राप्त हो रही हैं वो किस रूप में प्राप्त हो रही है, शॉर्ट वेव्स के रूप में। तो इसको क्या कहेंगे, ISR, इनकमिंग सोलर रेडिएशन हमें लघु तरंगों के रूप में सूर्य से प्राप्त होता है। वो कितना मान के चल रहे हैं हम, 100%। अब इस 100% सूर्य ताप में ये देखिएगा, 35% जो सूर्य ताप का मौलिक जो रूप है, 35% 100% का 35% जो कि वापस परावर्तित हो जाता है, और इस परावर्तित भाग को ही एल्बिडो कहते हैं। अब इस एल्बिडो को, ये 35% है, उसको वापस किस तरीके से वापस अंतरिक्ष में भेजा जाता है, इसमें होता क्या है कि एल्बिडो में इसमें अंतरिक्ष से जो ये वापस चला जाता है, ये इसका पृथ्वी को गर्म करने में कोई हाथ नहीं होता 35% का। अब ये देखिएगा, इसको तीन भागों में बांट रखा है। 27% तो रिफ्लेक्टेड हो जाता है क्लाउड से, बादलों से ये परावर्तित हो जाता है, और 6% है वो प्रकीर्णन द्वारा चला जाता है, और वायुमंडल जो प्रकीर्णन द्वारा इसकी वापस चला जाता है 6%, और 2% है वो अर्थ की सरफेस पर के द्वारा रिफ्लेक्ट परावर्तित हो जाता है। जो अर्थ की सरफेस है उस पर जो बर्फीली जो चादर है फैली हुई है ध्रुवों पे, तो उसके रिफ्लेक्ट से वापस अंतरिक्ष में चला जाता है। तो ये टोटल इस तरीके से 35% ऐसा भाग है जो एल्बिडो का है, और ये मौलिक रूप से परावर्तित हो जाता है। अब 100 में से 35% गया, तो उसमें देखिएगा आप, अब बस शेष जो बचता है वो है 65% सूर्य ताप। अब इस 65 सूर्य ताप का में से भी 14% जो सूर्य ताप है वो वायुमंडल द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। अब ये वायुमंडल द्वारा, डस्ट के पार्टिकल्स द्वारा, एटमॉस्फेयर जो गैसें हैं उनके द्वारा, और जलवाष्प और बादलों के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, ठीक है, और अवशोषण कर लिया जाता है। तो अब ये देखिएगा, 14% इसमें से जो 65 में से घटाएंगे, तो शेष जो मात्र 51% जो सूर्य ताप है वो पृथ्वी को प्राप्त होता है। अब देखिएगा आप, वास्तविक रूप से जो पृथ्वी की धरातल पर जो प्राप्त होता है वो कितना भाग हो गया, 51%। अब 51% में से इसमें देखिएगा आप, देखिए इसको दो भागों में बांट रखा है, एक तो है 34% और एक 17%। अब इस 34% जो सूर्य ताप है वो डायरेक्ट सोलर रेडिएशन होता है, जो पृथ्वी को सीधा सौर्य विकिरणों के से प्राप्त होता है, ठीक है, यानी कि जो पृथ्वी की जो सूर्य से जो किरणें आती हैं लघु तरंगों के रूप में, सीधा 34% प्राप्त हो जाए जो पृथ्वी अब्जॉर्ब करती है, और 17% पृथ्वी का जो विसरित दिव्य प्रकाश है जिसको क्या कहेंगे, डिफ्यूज डेलाइट, उसके द्वारा प्राप्त होता है। तो इनकी जो शब्दावलियाँ उनके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे थोड़ा सा, पहले अपने थोड़ा ये मोटा मोटा समझ लेते हैं, ठीक है। तो ये आप एक मोटा मोटा सा आपका ये हो गया कि 100% सूर्य ताप आता है जिसमें से 35 एल्बिडो के द्वारा परावर्तित हो जाता है, जिसको पृथ्वी को गर्म करने में कोई हाथ नहीं होता। इसके बाद में जो शेष 65% होता है उसमें से 14% वायुमंडल द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। जो शेष बचता है 51% वो पृथ्वी को मूल रूप से प्राप्त होता है, और इन 51% में भी जो 34% भाग होता है वो सीधा सौर्य विकिरणों के द्वारा पृथ्वी को लघु तरंगों के रूप में प्राप्त होता है सीधा, और 17% जो होता है वो विसरित दिव्य प्रकाश डिफ्यूज डेलाइट द्वारा प्राप्त होता है। तो इस तरीके से ये हमारा पृथ्वी का ऊष्मा बजट हो गया। अब जो हमने जो पृथ्वी ने प्राप्त किया है तो उसको वो वापस भी अब उत्सर्जित करेगी, तो किस तरीके से करती है उसको वापस आप देखिएगा। 23% जो भाग होता है जिसमें से दो भाग कर रखें 17 और 6, तो 17% तो क्या होता है कि सीधी दीर्घ तरंगों के रूप में अंतरिक्ष में चला जाता है, ठीक है। अब ये जो 51% है इसको वापस जब ये अंतरिक्ष में भेजेगी तो इसमें क्या होता है, OTR है ना, तो इसमें होता है OTR, आउटगोइंग टेरिटरी रेडिएशंस, ये होता है OTR, और इसमें 17 और 6% का तो ये हो गया, 6 वायुमंडल द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, और 19% भाग होता है वह ऊष्मा वाष्पीकरण में नष्ट हो जाती है, 19% ऊष्मा वाष्पीकरण में नष्ट हो जाती है, और शेष जो 9% बचती है 51% में से वो विक्षोभ समय में नष्ट हो जाती है। इसमें क्या होता है, कन्वेक्शन और टर्बुलेंस इन क्रियाओं में नष्ट हो जाती है। इस तरीके से पृथ्वी का ऊष्मा बजट का संतुलन बना रहता है। अब इसमें कुछ शब्दावलियाँ हैं जिसके बारे में हम थोड़ा सा चर्चा करते हैं, जैसे ISR के बारे में तो हम चर्चा कर ही चुके हैं कि इसमें इनकमिंग सोलर रेडिएशन होता है, ये है ISR। अब ये देखिएगा,
जो इसमें प्रकीर्णन के जो बताए थे, ये देखिएगा 6% जो भाग था जो एटमोसफियर एल्विडो में परावर्तित हो जाता था प्रकीर्णन द्वारा, तो वो कौन कौन से भाग हैं ये देखिएगा। एक तो होता है डस्ट, डस्ट पार्टिकल्स धूल के कण, एरोसोल्स और वाटर वेपर जलवाष्प के। अब इन वायुमंडल में उपस्थित ठोस व द्रव कणों को सामूहिक रूप से क्या कहा जाता है, एरोसोल कहा जाता है। अब इसमें कौन कौन सी चीज़ें आती है देखिएगा, धूल के कण, समुद्र नमक के कण, ज्वालामुखी राख, बादल, धुआं और प्रदूषण के कारक। अब ये जो 6 पॉइंट हैं ये एरोसोल होते हैं जो कि प्रकीर्णन करने में सहायक होते हैं। अब एल्बिडो क्या होता है, एल्बिडो सूर्य का 35% सूर्यताप पृथ्वी के धरातल पर पहुंचने से पहले ही अंतरिक्ष में परावर्तित हो जाता है, वो एल्बिडो कहलाता है। अब परिभाषा के रूप में देखा जाए तो किसी भी सतह से विकिरण की गई ऊर्जा के परावर्तित भाग को, किसी भी सतह से विकिरण की गई ऊर्जा के परावर्तित भाग को एल्बिडो कहते हैं। पृथ्वी की सतह का औसत एल्बिडो 29 से 34% होता है। वायुमंडल व पृथ्वी को गर्म करने में इसका कोई योगदान नहीं होता। अब देखिएगा जो स्कैटर रिफ्लेक्शन होता है वो प्रकीर्णन और परावर्तन के कारण कुछ सौरिक ऊर्जा पृथ्वी की सतह पर पहुंच जाती है, इसे ही विस्तृत दिव्य प्रकाश कहते हैं, डिफ्यूज डे लाइट। ठीक है, प्रकीर्णन व परावर्तन की प्रक्रिया के द्वारा कुछ सौरिक ऊर्जा, जब ये क्रिया होती है तो कुछ सौरिक ऊर्जा पृथ्वी को भी प्राप्त होती है, तो उसे ही डिफ्यूज डे लाइट कहते हैं। ठीक है, तो विस्तृत दिव्य प्रकाश किसे कहते हैं ये समझ में आ गया, इसको डिफ्यूज ब्लू लाइट, डिफ्यूज डे लाइट, स्काई लाइट भी कहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में देखिएगा दीर्घ तरंगों के रूप में पार्थिव विकिरण ओटीआर, ये क्या होता है, आउटगोइंग टेरिस्ट्रियल रेडिएशन, ये किस रूप में जो वापस जाता है, लॉन्ग वेव्स के रूप में। ठीक है, अब वायुमंडल का ऊष्मा बजट कैसे प्राप्त होता है वायुमंडल को ऊष्मा, और किस तरीके से वापस उत्सर्जित करती है, इसके बारे में चर्चा की गई है। अब आप देखिएगा इसमें 19% जो भाग है इसमें 48% का होता है वायुमंडल में, जो वायुमंडल एब्जॉर्ब करती है सौरिक विकिरण को, इसमें से 19% संघनन की गुप्त ऊष्मा से प्राप्त होता है। ठीक है, 14% प्रवेशी सौरिक विकिरण के द्वारा प्राप्त होता है, 9% संवहन व विक्षोभ से प्राप्त होता है, 6% पार्थिव विकिरण से प्राप्त होता है। ठीक है, इस तरीके से टोटल 48% हो गया, और ये वापस 17% स्पेस में सीधा चला जाता है, 6 एटमॉस्फेयर द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है एटमॉस्फेयर द्वारा, और ये 19% एवापोर्शन और 9% संवहन और विक्षोभ की क्रिया द्वारा वापस इसे छोड़ दिया जाता है। तो इस तरीके से ये है वायुमंडल का ऊष्मा बजट हो गया। तो पृथ्वी के ऊष्मा बजट के बारे में आपसे ये संबंधित क्वेश्चन आया, तो आप इस तरीके से आप अपनी लैंग्वेज बना के इसको लिख सकते हैं, बुक भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, बुक में भी आपको कुछ इसमें अच्छी तरह से समझ में आएगा, आपको ये वैसे काफ़ी अच्छी तरह से समझा दिया, कोई ऐसी बात हो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।